गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ हिस्ट्री में। सो आज का जो प्लान है, हम लोग जा रहे हैं अयोध्या घूमने, तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं और बहुत सारी मस्ती करेंगे। सो गाइस, आप लोग भी चलिए दर्शन कर लीजिए श्री राम जी के। तो गाड़ी आ गई है, सब लोग वेट कर रहे हैं, चले नहीं तो आपको डांट पड़ जाएगी। और दिखाती हूँ हमारी गाड़ी कौन सी है। तो ये देखिए, जो लोग जाने वाले यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। और तो एक रिक्शे में हम आए हैं, दीदी है, दोनों बहनें हैं, जो कि कल रात में देखा जिन्होंने बहुत शैतानी हम किया। तब यूँ हुआ कि रिक्शा चेंज हो गया है और ये 120 स्पीड वाले भैया हम लोग को लेके चलेंगे। उनकी स्पीड का नहीं पता, हाँ उड़ाते हुए चलते हैं। और अभी इतनी मस्ती हो रही है, अभी आगे जाके कितनी मस्ती होगी वो आप लोग साथ रहिएगा और इसको भी एंजॉय करते रहिएगा इस टूर को। जय श्री राम। जय श्री राम। तो वो बोर्ड आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है अयोध्या आगमन हेतु आपका स्वागत। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे सरयू नदी, वहाँ पे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हम लोग दर्शन करेंगे और आज संडे भी है तो बहुत सारे लोग दूर से आते हैं यहाँ दर्शन करने, यहाँ पे स्टे करते हैं। और बहुत खूबसूरत हो गया धीरे धीरे, और मोदी जी ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की इस चीज़ पे। ये बना है नया घाट जो कि बहुत खूबसूरत हो गया है मोदी जी के आने के बाद, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो नहाने से पहले जीजू ने बोला कि सब लोग पहले गोलगप्पे खा लें, खा के नहाएंगे और थोड़ा सा पेट भी भरा रहेगा तो जल्दी से भूख नहीं लगेगी। तो गोलगप्पे तो हम सबके फेवरेट है, खासकर बाबू के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो हम लोग फुल्की खाएंगे, मतलब फुचके खाएंगे या पानी पूरी खाएंगे। और पानी पूरी खाने के बाद नहीं, आपको भी खिलाएंगे। वेट, ये है पानी पूरी, ये लीजिए सबसे पहले आपके लिए, ये खा लीजिए, उसके बाद खाएगी मेरी बहन, खा लो क्योंकि मेरा सबसे लास्ट है राउंड। ये देखिए इस तरीके से सबसे लास्ट में मैं हूँ, तो मेरे को सबसे लास्ट मिलेगा। ये मैं हूँ और ये है, ये मैं हूँ, ये बड़ी दीदी है, ये उसका लड़का है, ये लड़का है, मैं हूँ, ये मेरी बहन है, ये इसका भाई है, ये मेरा भाई है, वो दीदी है, वो जीजू है, वो जीजू है। और ये पूरे हमारा ग्रुप है, मंडली। कुछ एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, दूसरा राउंड है मेरा बेटा, हम लोग खा के निकलेंगे स्नान के लिए। ये बहुत बड़ा सा सरयू नदी जो कि आपको गुप्तार घाट में भी देखने को मिलेगा। और सारा कुछ सोचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यही आगे यहाँ पे सीढ़ी के पास ही नहाएंगे। यहाँ पे नाव भी है जो कि आपको पूरा सरयू नदी का दर्शन करा देगा। तो खैर, सरयू नदी का दर्शन हम लोगों ने किया हुआ है, फिलहाल स्नान करेंगे और चलेंगे दर्शन करने के लिए। लिया है, अब चलेंगे नाव से सरयू माता का दर्शन करने। पूरा सरयू माता का दर्शन करने के बाद वापस निकलेंगे मंदिर में दर्शन करने। तो चलिए आपका भी दर्शन कराते हैं सरयू माता का। ये है हमारी नाव, बहुत कलरफुल है हम लोग की नाव। सोलो कितने क्यूट लग रहे हैं टीका लगवाने के बाद। तो चले बैठे बच्चे, हटाओ तो। सरयू माता की जय। सरयू माता की।
सब लोग इंजॉय कर रहे हो, कितना ज्यादा दर्शन करके चलिए आप लोग। बस अभी अभी सरयू माता का दर्शन किया, दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं और अब निकलेंगे भगवान के दर्शन के लिए, हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए और राम जी के मंदिर जाने के लिए। माता रानी का अपने छत के ऊपर लगाएंगे। कोई है इस हवेली में, कोई है इस हवेली में, कोई नहीं है तो ये है हमारा हवेली। इसके अंदर हम नहीं जा सकते, हमें परमिशन नहीं है, तो हमें अपनी ही हवेली के अंदर जाने का परमिशन नहीं है। प्रसाद वगैरह भी मिलता है तो कोई जरूरत नहीं है बाहर से लाने की, आप प्रसाद यहाँ से खरीद सकते हैं। तो आइए ग्लिटर ग्लिटर शाइन शाइन। महाराज जी पहले भगवान जी की सेवा कर रहे हैं। देखिए कार्तिक परिक्रमा मेला भी लगा हुआ है यहाँ पर। जय श्री राम। ये मंदिर है हनुमान जी की, बहुत भीड़ है इधर। हनुमान जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है ना दीदी, प्रसाद भी मिला और प्रसाद बहुत भीड़ है और कुछ ही सेकंड्स के लिए भीड़ होते हैं क्योंकि सारे लोग फटाफट दर्शन करने के बाद वहां से हट जाते हैं। तो हम लोग को भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए और आप लोगों को भी दर्शन हमने कराए। तो अभी एक फेरा लगा लेते हैं पूरे मंदिर का और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाबू ये बाबू को मेरे एक माला मिला है, वो सबके गले में डाल के निकाल रहा है। बाबू मेरे को भी एक बार करो, एक बार आप निकालना जी। और लक्ष्मण जी की भी मंदिर है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक है इसमें राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हैं। तो भगवान के दर्शन कर लेती हूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो दर्शन अच्छे से हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मंदिर और फिर मिलते हैं आपको उस मंदिर में। गए हैं राम जन्मभूमि देखने और वहाँ दर्शन करेंगे राम जी का। उसके पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को दशरथ महल। ये कितने का है?
तो गाइस अगर आप राम मंदिर आते हो दर्शन करने के लिए तो राम जी की जन्मभूमि जाने से पहले आप लोग मास्क जरूर लगाएं। यहाँ पे मास्क लेना पड़ेगा आप लोगों को, और अंदर मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। और अभी आप लोगों ने देखा दशरथ महल, हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और घूमना ज़्यादा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोबाइल जमा करने, और राम जन्मभूमि देखने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सामने धनुष बना हुआ है, ये पहले नहीं था और ये अब बना हुआ है। और मन तो कर रहा है आप लोगों को अंदर भी दिखाऊं, बट ये है कि राम जन्मभूमि के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, वो भी मोबाइल लेकर। तो सारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मोबाइल उसके पहले ही सबमिट हो जाएगा। तो हम लोगों ने राम जी का दर्शन बहुत अच्छे से किए, और अंदर में जो पहले राम जी का जो मंदिर था वो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था, बस ऐसे ढका हुआ था। लेकिन अब राम जन्मभूमि आप जाओगे ना, बहुत सुंदर है, और अभी तो और भी ज़्यादा उसमें तरक्की होनी है। तो डेफिनेटली आप लोग आइएगा, यहाँ बहुत मज़ा आएगा, बहुत खूबसूरत मंदिर बन रही है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कनक भवन जा रहे हैं। हाँ। तो कनक भवन जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। कनक भवन में एंट्री कर रहे हैं, और आरती का भी समय हो गया है, देखते हम लोग आरती में शामिल हो पाएंगे या नहीं। ये मुख्य द्वार है कनक भवन का। तो अभी आरती नहीं हुई है और सब लोग वेट कर रहे हैं आरती का, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, उनमें से ही हम भी हैं। अभी थोड़ी देर में आरती होगी और हम लोग भी शामिल होंगे इस आरती में। दर्शन हो गए और आरती भी हो गई, और आप लोगों ने भी देखा भगवान जी की मूर्त को। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आरती में हम लोग सब सम्मिलित हुए और आरती भी की। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे यहाँ निकलने के बाद। ये सीताराम का चरण पादुका है, चला। राम जी की मंदिर और हनुमान जी की मंदिर और कनक भवन देख लेते हैं, उसके बाद दशरथ महल देखा जाएगा, बट लेट। तो हम लोग आगे दशरथ महल, सोचा दशरथ महल अगर खुला हो तो देख लिया जाए, वरना फिर मैं जीजू कहेंगे कि मेरे को अच्छे से घुमाया भी नहीं। तो वैसे तो खुला हुआ है, इसका मतलब कि आगे अंदर जाके हम लोग घूम सकते हैं। और ये देखिए, कहा जाता है कि यही पेड़ के पास चारों भाई खेलते थे, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न यहाँ पे खेलते थे। और माता कौशल्या वहाँ से देखती थी, वो देखिए सामने वो जो द्वार है वहाँ से ऊपर में, उसको कुछ और बोलते हैं। तो इसी झरोके से कौशल्या जी अपने बच्चों को यहाँ खेलते हुए देखती थी। यहाँ पर भी हमें लगता है जस्ट आरती अभी हुआ है, और
ये है दशरथ महल और जय हनुमान। द्वार है जिससे हम अंदर की तरफ आएंगे और लिखा है राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। वाह, यहाँ आरती नहीं हुई है, अभी आरती होने वाली है। आरती होने में अभी टाइम है तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न और उनकी पत्नियों की मूर्ति है और दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा माता की यहाँ पे सबकी प्रतिमाएं हैं। और मैं यहाँ घूम चुकी हूँ और जीजू को लेट हो रहा है क्योंकि कल निकलना है, उनकी फ्लाइट है। तो भगवान जी सॉरी, तो हम लोग जल्दी से निकलते हैं घर के लिए। ये सारे चांदी के सिक्के हैं उस समय के, जो क्वीन विक्टोरिया चांदी के सिक्के हैं, या अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए सिक्के हैं। चांदी के कि नहीं, लेकिन ये उसी समय के सिक्के हैं। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और ये मिल गया हनुमान जी की मंदिर। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद चल रहा है पकौड़ी पार्टी। दिखाओ पकौड़ी पार्टी, दिखाओ पकौड़ी की पार्टी चल रही है और सब यहाँ पे सोचो थोड़ा सा खा के निकलते हैं घर के लिए। तो चलिए जैसे ऑटो मिलती है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में और बहुत बुरी कंडीशन है हम लोगों की, ये देख सकते हैं आप। एकदम एक दूसरे में हम लोग इतने बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अभी ये चौक तक हम लोगों ने ऑटो किया है, चौक से देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है और जैसे ही गाड़ी मिलती है मैं आपको आगे की अपडेट देती हूँ। तो इस टाइम हम लोग है चौक में हम लोग को मिल गई है ऑटो और इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा गाइस। और जय श्री राम।